बिजली निगम में एक जेई के निजी सहायक व निगम के मालिक को 9000 रुपए की रिश्वत सहित विजिलेंस अंबाला की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जेई समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया है। डीएसपी विजिलेंस अजय कुमार ने बताया कि गांव मलिकपुर के जसवीर ने शिकायत दी थी कि खेत में ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई है। शिकायत मिलने पर विजिलेंस की टीम ने योजना बनाकर जसवीर को 9000 रुपए देकर भेज दिया। जसवीर ने जेई नरेश के निजी सहायक परमजीत सिंह उर्फ पम्मा को देने की बात कही। पम्मा ने ये रुपए माली पवन को देने की बात कही। इसके बाद जसवीर ने 9000 रुपए की राशि माली पवन कुमार को दे दी। इसके बाद विजिलेंस की टीम ने मौके से परमजीत सिंह उर्फ पम्मा व माली पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आइए सुनाते हैं क्या बोले डीएसपी विजिलेंस अजय सिंह। सर, दो लोग पकड़े हैं, क्या मामला था, किस उस पे पैसे ले रहे थे? जसबीर सिंह मलिकपुर गांव है उसका, उसने शिकायत दी थी कि अभी ट्रांसफार्मर रखने का ये पैसे मांग रहे हैं। तो हमने उसकी शिकायत लेकर के और रेड जिस टाइम की है वहां पे हमारे संज्ञान में ये बात आई कि जो परमजीत सिंह उर्फ पम्मा है एक वहाँ पे प्राइवेट तौर पे रखा हुआ उन्होंने, वो जी वो पैसे की डिमांड कर रहा है और वो उनसे 9000 रुपये मांग रहा है ट्रांसफार्मर बदलने के। तो जब हम गए तो वो बाहर कहीं काम कर रहा था लाइन पे, तो उसने कहा कि जो यहाँ माली है पैसे उसको दे दो। उसको पैसे दिए गए तो उसने लेके जेब में डाल लिए। फिर उसको कहा गया, फिर वो जो माली है वो पैसे उसको देने के लिए चला गया, जो हेल्पर जो हेल्पर था जेई का, और वहाँ पर उसने उसको पैसे दे दिए। फिर हमने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कितने पैसे दिए? 9000। तो आप दोनों को पकड़ लिया? दोनों को पकड़ लिया गया। तो इसमें जेई की कोई शॉर्टकट नजर आई है? जेई की उस पर टेलीफोन पे बातचीत हो रही है, एक मध्यस्थता एक और कर रहा है मदन कुमार, मदन उसकी मध्यस्थता है, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, तो जो उनको चार, लिंक चार जो इनको चारों को लिंक करती है। ठीक है, तो फिलहाल दो लोग पकड़े हैं? दो लोग, एक माली, हाँ एक माली है, और एक हेल्पर HVBPN में, और एक ये प्राइवेट तौर पर रखा हुआ है जो ट्रांसफार्मर ठीक करता है। ठीक है, इसके अलावा दो और लोग हैं जिनके अभी तफ्तीश में नाम आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। टाइम चल गया, मजबूरी हमारे टीम खड़ी।